डेफने को कॉल करके देखता हूँ, हो सकता है उसका नंबर ऑन हो गया। चलो मेरे साथ हो, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। अरास, देखो अगर तुमने मेरी बस को... करो यार, पहले अंदर तो चलो, बैठो, बात तो करो, एक बार मेरी बात तो सुनो। चलो क्या कहना था? डेफने मेरे पहाड़ी वाले कॉटेज में है। हाय देयर। यार तुमने इसे अचानक क्यों बताया? ये चौंक गया है। क्यों, क्या हुआ इसे? ये तो कड़क हो गया है। ये क्या है, कैटाटोनिक शॉक है या कुछ और? समझ नहीं आ रहा मुझे। बरुची, तुमसे बात कर रहा हूं। सिनान, सिनान भाई तुम ठीक तो हो ना? सिनान, बरुची, देखो ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मैं उससे शिले में ही मिला था। मैंने कहा कि आप लोग जंगल के करीब मेरी पहाड़ी कॉटेज में जा सकते हैं, वो रास्ते में है। सिनान, ओ सांस लो। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हाँ, क्या कह क्या रहे हो तुम? कौन सा पहाड़ और कौन सा कॉटेज? मैंने तुम्हें भेड़ों की मिसाल देकर बात समझाई भी थी और तुमने क्या किया? तुमने सीधा उनको जंगल में भेज दिया, पागल हो क्या? तुम्हें क्या लगता है कि मैं लड़कियों को गैर महफूज जगह पर भेजूंगा? वो एक मुंसलिक इलाका है, मैंने वहाँ वार्डन को बुलाया और कैमरा सिस्टम भी है वहाँ पर। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ क्या है और क्या नहीं, मुझे वहाँ का एड्रेस दो। एड्रेस चाहिए मुझे वहाँ का, मुझे वहाँ का एड्रेस चाहिए। जल्दी, मैं जा रहा हूँ वहाँ उन लोगों को लेने। मैं नहीं दे रहा, नहीं। डेफने से वादा किया था मैंने, उसके भाइयों को उससे 2 दिनों तक दूर रखूंगा। मैं अपना वादा निभाऊंगा इस बार, समझे? और तुम भी बिल्कुल खामोश बैठोगे। देखो बात सुनो, तुम्हें मैं बता चुका हूँ कि अगर आज रात में घर अकेला गया तो क्या होगा, बता चुका हूँ ना मैं तुम्हें? तो फैल भाई उसको इस्तांबुल से निकाल देंगे और जानते हो ना, वापस उसी गाँव भेजेंगे जहाँ से वो आई है यहाँ पर। तो तुम आज रात घर वापस मत जाओ। आ गया मेरा बेटा, खुश आमदीद। चलो अम्मी, हमारा एक मैच है कल। अस्सलाम वालेकुम लैला साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कल सुबह मैं सारे बच्चों को आधा घंटा पहले पिक करने वाला हूँ। जल्दी क्यों आएंगे आप, क्यों पिक करेंगे इसको? संडे को तो आराम करने दें। आपकी बात सही है, लेकिन मैच काफी दूर है तो हमें जल्दी निकलना होगा। तो आप इसको अपने साथ ही ले जाएं, घर भी ड्रॉप करने की क्या जरूरत है इसको? आपने मुझे हंसा दिया, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। मैच दूसरी टीम के स्टेडियम में खेला जाएगा, हम वहां जाएंगे। बाबा! क्या बात है? दुरुक को कल जल्दी पिक करने आऊंगा, यही कह रहा था मैं लैला साहिबा से। ठीक है, तुम जल्दी ले जा सकते हो, चलो जाओ, जाओ भी अब यहां से। खुदा हाफिज। ऊपर चलो। नहीं, ऊपर नहीं आऊंगी मैं, मेरा दिल कर रहा है अभी यहीं पर मैं बाहर धूप में खड़ी रहूं। क्या हुआ है लड़की, क्या ये फिर से नाराज हो गया? फिर से क्या मतलब है दादी जान, उसका मूड सही होता कब है? ओह, लगता है यहाँ झगड़ा होगा। ये मेरा कमरा है, निकलो यहाँ से। तो फैल, फैल मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? शुक्र करो कि सिर्फ तुम्हारी तरफ देख रहा हूँ। मेरा तुमसे लड़ाई करने का मूड नहीं है, चले जाओ यहाँ से। उस आदमी के साथ क्या कर रही थी? कौन सा आदमी? वो ड्राइवर। हम कॉफी पी रहे थे तो फैल, जब मैं अपने बेटे को
वैन से लेने गई तो उसने मुझसे कहा कि कॉफी पीने चलेंगे साथ में, कभी हम लंच पे चलते हैं, कभी सिनेमा जा सकते हैं, कभी कहीं और। तो मैंने उससे कहा कि क्यों नहीं, हम जरूर चल सकते हैं। होशियार रहो, तुम क्या कर रही हो लैला, कोई बात कर सकते हैं हम? असल में तो तुम होशियार रहो, तुम अपनी साबका बीवी के साथ रह रहे हो और मुझे कह रहे हो कि मैं होशियार रहूं, क्या ये तुम सही कर रहे हो? तलाक के बाद कौन अपनी साबका बीवी के साथ रहता है? मैं अपने बेटे के कमरे में सो रहा हूँ तो हर किसी समझने की जरूरत नहीं कि हम साथ सो रहे हैं। तुम ये बात जानते हो, मैं ये बात जानती हूँ, ये बात हम दुनिया को कैसे समझाएंगे कि हम साथ नहीं रहते, आस पड़ोस वालों को और कसाई रुस्तम को? कसाई रुस्तम कौन है? हाय, मैं ये सब समझाने के लिए कह रही हूँ। एक तो तुम्हें कोई बात समझाना बहुत ही मुश्किल काम है, यहाँ मैं तुम्हें कुछ और समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इतनी सारी बातों में तुम्हें कसाई रुस्तम ही याद है, इससे साबित होता है कि तुम कितने इमैच्योर हो। चलो बस बहुत हो गया, अब निकलो मेरे कमरे से, जाओ यहाँ से। इतनी ताकत है कि मुझे धक्का दे सको? अगर मेरे जिस्म में इतनी ताकत नहीं तो जुबान में बहुत ताकत है। करके देख लो। तुम्हारा फोन बज रहा है। ये लो, तुम्हारा फोन बज रहा है। हाँ बोलो सिनान। हाँ सुनो, डेफने को ढूंढ लिया है मैंने, तो भाई को जरा बता देना कि मैं और डेफने जरा एक दो दिन बाहर ही रहेंगे, ठीक है? हाँ हाँ, अच्छा ऐसा है, ठीक है मैं समझ गई, चलो मैं उसे बता दूंगी, बाय। कौन था? ये सिनान था। हाँ सिनान, मैंने भी देखा था। वो कह रहा था कि शायद वो लोग कुछ दिन वहीं रुकेंगे, शायद कुछ दिन आराम करेंगे, और उसने कहा कि डेफने और उसको फिशिंग करने में बहुत मजा आ रहा है। देखो मेरा नहीं ख्याल कि हमें उन्हें जल्दी घर बुलाना चाहिए, क्योंकि ठीक है उन्हें थोड़ा आराम करने दो। उनके वहां रुकने पे एतराज नहीं किया? तुम लोग इतने सुकून से बैठे हो यहाँ, हम दोनों की बहनें जंगल में अकेली हैं इस वक्त। इतना सख्त दिल है तुम्हारा? आज से पहले मैंने इतना सख्त दिल किसी का भी नहीं देखा है, और तुम लोग इतने आराम से बैठे हो, समझ से बाहर है। बोर हो रहा हूं मैं। मैं समझ रहा हूं, तुम अपनी बहन की हिफाजत करना चाहते हो और मैं भी करना चाहता हूं, लेकिन मैं अपनी बहन पर भरोसा करता हूं। तुम्हें डेफने पे भरोसा नहीं है क्या? नहीं तो? हाय देयर। तुम उस पर भरोसा क्यों नहीं करते? डेफने, उसे मैं जानता हूं, वो हर मसला हल कर सकती है। मैं जानता हूं वो मसला हल कर सकती है कोई सभी, लेकिन उसका हल किया हुआ मसला अगर हमारे लिए मसला बन गया तो? ये ठीक कह रहा है। हाय, हम अभी तक नहीं पहुंचे यार, और बहुत जल्द अंधेरा भी होने वाला है। अरे तुम भी हद करती हो, क्या हो गया अगर हम लोग नहीं पहुंचे हैं तो? अपने आसपास तो देखो किस कदर खूबसूरत नजारे हैं, एंजॉय करो ये सब। हाय, कीड़े मकोड़े नहीं पसंद? नहीं पसंद, मुझे कीड़ों से बहुत डर लगता है, बहुत डरती हूँ यार मैं कीड़ों से, और मुझे जंगलात भी ना बिल्कुल नहीं पसंद, और ना भाई का वो कॉटेज पसंद है। मैं तो बस इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरा भाई तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। आईना मुझसे ऐसी बात मत करना, स्पेशली जब मैं ड्राइव कर रही हूँ। और बिला वजह इतने नखरे क्यों कर रही हो तुम? हाँ अपने एतराफ में देखो, कितना अच्छा नजारा है यार। हाय, यहाँ कीड़े मकोड़े ना बहुत होते हैं। अगर तुम हमारे घर की बहू बनना चाहती हो तो ये सब सहना होगा। मैं नहीं बनूंगी बहू। सिनान और मेरा ब्रेकअप हो गया, मुझे तो समझ नहीं आता, आए दिन तुम दोनों का ब्रेकअप हो जाता है, उसके बाद दोनों दोबारा एक हो जाते हो। खैर जो भी है, एक ना एक दिन तो तुम मेरे भाई की बीवी और मेरी भाभी जरूर बनोगी, और जब वो दिन आएगा तो मैं तुमसे कहूंगी कि यशम वो खड़ी है गाय और उसके आएगी तुमसे, तुमने मक्खियां उड़ानी है। क्या मक्खी? सही सुना, और यही नहीं वहाँ पर गोबर भी होगा, और मुमकिन है कि तुमसे हम गोबर भी उठवाए। तबीयत खराब हो रही है मेरी। हाय, मुझे बहुत अजीब सी एक बेचैनी हो रही है यार।
मुझे मक्खियों और कीड़ों से फोबिया है यार, बहुत ज्यादा डरती हूँ मैं। यार तुम इतना सीरियस कैसे हो सकती हो भला? अच्छा ठीक है, अब हम पहुँच गए हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगी तुम्हारे सारे डर बाहर निकाल दूं। क्योंकि डार्लिंग तुम मेरी दोस्ती नहीं बल्कि हमारे घर की बहू भी बनने वाली हो, तो इसलिए। ओह वाह, तुम्हें ये जगह कैसे पसंद नहीं है? तुम्हें अगर ये पसंद है तो तुम मेरे भाई के साथ यहाँ पर आ सकती हो हमारे बगैर। अरे ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम मुझसे? वैसे एक बात है एसगी, आज सुबह कोई मेरे भाई के बारे में बात कर रहा था ना, कि उसकी हाइट, उसकी स्ट्रेंथ, उसके मसल, ये सब बातें हो रही थी ना, यही कर रही थी ना? हाँ यही कर रही थी। ये तो कोई बात नहीं हुई, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, और अगर कहा भी तो क्या बड़ी बात है। भाई सिंपल है, अगर किसी को हैंडसम कह भी देती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके साथ घूमने चली जाऊंगी मैं। मैंने तो तुम दोनों के साथ यूं ही बस जनरली कुछ बातें शेयर कर ली थी, मगर मैं नहीं जानती थी कि तुम लोग इस तरह से मेरे उस एतराब को बार बार दोहराओगे। हर इंसान अपना सबक सीख ही लेता है मगर उसे थोड़ा वक्त लगता है, और आज मैंने सबक सीख लिया है। हाँ, मैं लेकिन। अच्छा प्लीज, बहुत बातें हो गई, अब हमें अंदर जाना चाहिए, अंधेरा हो रहा है। ठीक है, अजनबी जगह है, कोई अजनबी आ गया तो। अभी मैंने कहा ही था और अजनबी लोगों की वैन भर कर आ गई है यहाँ पर। सो हैंडसम है इस अजनबी पर तो मैं खुद ही कुर्बान हो जाऊं। हमारी तरफ ही आ रही है तो। बारिश, यशीन, मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा क्यों ना तुमसे मिलता चलूं, तुम्हारी बहुत याद भी आ रही थी मुझे। हाय, बहुत अच्छा हुआ जो हम लोग मिल गए। हाँ, क्या तुम अपने कॉटेज पे आए हुए हो? हाँ, सोचा क्यों ना आज जाके सर्वे कर लो। बहुत अच्छा किया, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया यार। मैंने भी मेरी जान। क्या हुआ, उदास सी लग रही हो तुम मुझे? तुम्हें कैसे पता चला? मेरी तरफ देखो जरा, क्या ये प्यार का मामला है? किसने तुम्हें इतना परेशान कर रखा है? चलो छोड़ो सारी बातें, आज रात मिलते हैं, बैठते हैं कुछ देर, गेम्स भी खेल लेंगे और कुछ बातें भी हो जाएंगी, क्या कहती हो? सच कह रहे हो तुम भाई। बहुत मजा आएगा फिर तो, बहुत अच्छा हो गया। ये लोग तुम्हारे साथ आए हैं क्या? हाँ, मेरे साथ आए हुए हैं, कंपोज करने के लिए और थोड़ा बहुत रिलैक्स करने के लिए। अच्छा, दोस्तों जरा बाहर आ जाओ। अरे वाह, हम कितने खुशकिस्मत हैं कि ये अकेला ही नहीं, इसके तो सारे दोस्त बहुत ही हैंडसम हैं। मुझे क्या देख रही हूँ, उन्हें देखो ना। डेफने, मैं तुमसे इल्तिजा कर रही हूँ कि थोड़ी सी समझदार हो जाओ, थोड़ी सी बस, ठीक है? समझ आई बात? एक काम करो, ये पकड़ो तुम। हेलो बारिश मेरी जान, मैं तारुफ करवाती हूँ, ये मेरी दोस्त है डेफने और वो है एसगी, और लड़कियों ये खूबसूरत लड़का है बारिश, ये दानिश और मेरे भाई का बचपन का दोस्त है, और मेरा रिश्ता पता है क्या है? पहली मोहब्बत है ये। क्या कहा तुमने? पागल लड़की, वो तो बचपन की बात है। कैसी हो डेफने, और तुम कैसी हो एसगी? लड़कियों, ये सारे मेरे दोस्त हैं, भूरा, जैंग, समुराय। हेलो। हेलो। और ये हैंडसम मेरा कजन है अर्जुमन, कल ही इंग्लैंड से आया है, इसीलिए मैं अपने साथ ले आया ताकि हमारे साथ एंजॉय कर ले थोड़ा। क्या आप प्लीज मेरा हाथ छोड़ सकते हैं, क्योंकि यही ठीक रहेगा। मुझे तो लग रहा था कि इस जंगल में पहाड़ियों के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मैं खुशकिस्मत हूं कि आप जैसी हसीन लड़की को देखा। इनकी बात भी ठीक है, जब कोई शख्स अपने घर से बहुत दूर आ जाता है ना तो उसके अंदर का रोमांटिक इंसान जिंदा हो जाता है और वो फिर इसी तरह की बहकी बहकी सी बातें करने लगता है, लेकिन आपको देख के लगता है कि आप वैसे भी रोमांटिक ही हैं। क्या मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकार सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, अगर आप चाहें तो मुझे प्यार से डेफ भी बुला सकते हैं। बहुत प्यारी हो तुम, और आप जैसी हसीना से ऐसे अल्फाज सुनना मेरे लिए बहुत ज्यादा कीमती हैं, आप वाकई बहुत हसीन हैं। डेफने, बहुत ही अच्छी दोस्त है हमारी, तुम्हें पता है? बहुत ही प्यारी बातें करते हैं आप, आपसे तो बहुत अच्छी गपशप होगी हमारी। सिर्फ गपशप कहा है और कुछ नहीं। सॉरी, जहाँ खड़े थे वहीं खड़े हो जाओ, चलो। खैर यशिम, अब मुझे लगता है कि हमें जाना चाहिए,
रात को उसी अपनी पुरानी जगह पर खाने के बाद मिलेंगे। ठीक है, बाय बाय। डैफने, ये सब क्या था? तुम उस आदमी के साथ फ्लर्ट कर रही थी? अरे नहीं यार, मैं तो सिर्फ अपना ये ट्रिप थोड़ा खुशगवार बनाना चाह रही थी, और तो कोई भी बात नहीं है। और अरे यार, मैं यहाँ पर ले तो आई हूँ तुम लोगों को, लेकिन मुझे खुद कोई अंदाजा नहीं है कि क्या करना है हमें। जी बोले रजब भाई। हाँ, वो वहां पहुंच गई, सही। और वहां नहीं जाना, यशम नहीं जानती कि मुझे इस बात का इल्म है। तुम बस उनको कैमरे से देखकर फॉलो करो, ठीक है? ये काफी है, शुक्रिया। फिक्र ना करो, अब कोई मसला नहीं है। नजर तो रखी जा रही ना उन पर कैमरे से वहां। वो कभी देखना बंद नहीं करता जब तक हम ना कहें। क्या उस कैमरे से हम भी देख सकते हैं उन्हें? ये क्या बात हुई? बताओ तुम, कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे, देख सकते हैं या नहीं हम उन्हें? हम देख सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं। बस तो फिर दिखाओ मुझे, मैं देखना चाहता हूं उन्हें। और तुम मुझे पागल कर रहे थे। तुम दोनों आपस में लगे रहो, मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। यशिम, एसगी मैं बाहर गार्डन में बैठी हूँ। ठीक है, मैं भी आ रही हूँ, बस थोड़ी देर में। हाय, मैं फ्रिज में देखती हूँ जाकर, वहाँ पे शायद कुछ खाने के लिए हूँ, मैं जरा देख के आती हूँ। ठीक है ठीक है। हम पहुंच गए हैं। तो क्या हुआ वहां? वो सड़क से गिरने वाली थी, लेकिन खुद को संभाल लिया। जानता हूं, मैंने कैमरे में देखा, मैं तुम लोगों को ट्रैक कर रहा हूं। वो यारिन के घर से आगे गई थी तो कैमरे ने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। वो काफी खुश, पुरसुकून और महफूज लग रही हैं। मेरी जान छोड़ दो पागल लड़के। तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला था लड़की, ध्यान से, मुझे तुम्हारी जान बहुत प्यारी है। तुम्हारी बहन के फिजूल सवालों की वजह से मैं अब अपना फोन बंद करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे भाई मुझे कॉल करेंगे और मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगी। वैसे आलन, थैंक यू सो मच, मैं तुम्हारा यह एहसान नहीं भूलूंगी। कौन बताएगा मुझे ये हो क्या रहा है? हाँ, ओ देखो बारिश आया है। ओ बारिश, समझ गया। शराफत से बताओ वहां हो क्या रहा है? हाँ, और ये है कौन बारिश? एक मिनट रुको, वो मेरा हमसाया और हमारा बचपन का दोस्त भी है, और यशम की पहली मोहब्बत भी है ना दानिश। अरे यार सुनो सनान, जब हम कहते हैं ना पहला प्यार, तो उसका मतलब होता है बचपन। हाँ बचपन,
ये लड़का कौन है और डफने का हाथ क्यों पकड़ रहा है? इस लड़के को देखो, ये तो अर्जू है ना। कौन? वो अंग्रेज अर्जू? हाँ। क्या वाकई में? मुझे आपको सारा मैं बता रहा हूँ, वहां इतने सारे मर्दों के बीच तीन खड़ी हुई और तुम लोग बैठकर सुकून से देख रहे हो। मेरी अब बर्दाश्त से बाहर हो रही है, मैं बता रहा हूँ। मैं वहां जाकर ना इन सबका सर फाड़ दूंगा, आई समझ? अरे सिनान, बारिश हमारा देखो। तुम बैठ कर देखो यहाँ, बारिश को अपने दोस्त को, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तुम चल रहे हो, जाऊं मैं अकेला? ठीक है बरूची, चलो चलते हैं। ओ भाई, हम क्यों जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? इसको बताओ कि बारिश वहाँ मौजूद है और अभी हमें वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं। नहीं, मैं सिनान को और नहीं रोक सकता। वहाँ पहुंचेगे तो मैं अर्जू को नहीं छोड़ूंगा। मुझे याद में बिल्कुल पसंद नहीं, उसका हाथ कैसे पकड़ा उसने? ओफ, मैं बोर हो गया हूँ, बहुत बोर हो गया हूँ सच में। सैलेड बिल्कुल तैयार है। अच्छा, और यहाँ पर ये भी तैयार है। काफी टाइम हो गया मैंने अच्छे मशरूम्स नहीं खाए। चलो तुम आराम से खाना। सब हो गया। हाँ तो डेफने मेरी जान, शुरू करो बात। प्लान बना लिया है कि कैसे तुम इस पहाड़ी कॉटेज से मेरे भाई के साथ भागोगी? क्या? नहीं, ये कैसी बातें कर रही हो? किस प्लान की बात हो रही है यहाँ पर? बेबी जरा यहाँ देखो मेरी तरफ ठीक से। रकीब भाई आए थे फ्रिज में चीजें रखने के लिए, वो मशरूम्स भी नहीं भूले। उन्होंने अब तक हमें डिस्टर्ब भी नहीं किया है बिल्कुल भी ना। इसका मतलब है कि भाई ने उनको पहले से ही सब कुछ समझाया हुआ है यहाँ के बारे में। ठीक है यार, रास्ते में मिला था वो मुझे, वो जानता है हम यहाँ है। उसने जो मुझसे झूठ बोला था वो उसके लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा है, और उसके साथ साथ उसे अंदाजा है तुम परेशान हो, इसलिए तुम्हें स्पेस दे रहा है। क्या तुम सच कह रही हो? कितने अच्छे हैं ना भाई, मेरा प्यारा भाई, बहुत अच्छा है। हाँ, इतना आसान नहीं था उसे मनाना। पहले तो मान ही नहीं रहा था, फिर उसकी आंखों में देखा मैंने और कहा प्लीज, और फिर क्या था, वो फौरन पिघल गया और हम लोग यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। भाई, ये सब कैसे हुआ? मतलब कि बताओ दोबारा से करके कैसे किया ये सब? इस तरह से, प्लीज। आई मेरी दोस्त, बस भी करो। हाय, प्यार तो देखो जरा, अब तुम दोनों पक्की नन भाभी लग रही हो मुझे, सच कहा ना? अब बस भी करो तुम। एक बात मैं क्लियर कर दूं कि मुझे बार बार तुम दोनों तंग मत करो, मैं सिर्फ तुम्हारे बॉयफ्रेंड की बहन हूँ और कुछ भी नहीं। नहीं मेरी जान, वो तुम मेरे बॉयफ्रेंड की बहन नहीं, बल्कि मैंने उस वक्त तक तो सिनान का नाम भी नहीं सुना था। सुबह से भाई हमारा पीछा कर रहे हैं, क्या ये बात जानती हो तुम यशम? हाय, वो भी आया है क्या यार? और यही नहीं, उनके साथ दानिश भी आया हुआ है। एक मिनट, तुम दानिश और तुम? हाँ, सही सुन रही हूँ क्या मैं? हाँ, ये सच है मेरी जान। सच में? मुझे यकीन नहीं आ रहा। क्या फजूल बातें कर रहे हो यार, मेरा और दानिश का कोई लेना देना नहीं है। अरे सब कुछ नहीं है। अरे इसकी जान, अगर वाकई तुम्हारा दानिश से अगर कुछ लेने देना नहीं है ना, तो उसकी एक पागल साइको फॉलोवर है, वो पता नहीं मॉडल या ऐसी करके कुछ है, वो लड़कियों को धमकाती है जो दानिश के साथ दिखती है, नजर रखती है, मतलब उन औरतों पर। अरे मेरी जान, जिसकी तुम बात कर रही हो वो कोई और नहीं है बल्कि हमारी अपनी सहेली है। हाँ, मगर अब रूल्स चेंज हो गए हैं क्योंकि अब दानिश उसे फॉलो कर रहा है। क्या? हाय एसगी, प्लीज जल्दी से सब बताओ तुम। आपकी कॉफी तो फैल साहब। शुक्रिया लैला बेगम, शुक्रिया। दादी जान आ जाए, कॉफी ठंडी हो जाएगी। इसके साथ
कोई ना कोई मसला जरूर है। किसके साथ? वो सिनान और डेफने के साथ। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं दादी? आप ही बताएं, क्या सिनान अपनी बहन को 2 दिन के लिए कहीं लेकर नहीं जा सकता? तुम शायद डेफने को जानती नहीं, ऐसे ही है ना? वो इतनी तेज है कि खड़े खड़े इंसान को बेच दे। तुफैल, मैं जानती हूँ कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। क्या हो सकता है दादी? यानी तुफैल, तुम ऐसा समझ लो कि आराज फैमिली के मुतालिक बात है। तो क्या वो झूठ बोल रहा है दादी जान? लगता तो ऐसे ही है कि वो झूठ बोल रहा है। नहीं, कोई झूठ नहीं है। मैं जानता हूँ सिनान को क्या मसला है। ये अच्छा है कि वो आराम के लिए चला गया। यहाँ आओ मेरे बेटे, आ जाओ मेरे बेटे। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कि मैं इनके बीच में आऊं। चलो देखते हैं सुबह क्या होता है। खैर होगी इंशाल्लाह। सब कुछ तुमने किया है ना? लैला, जाओ यहां से। यकीनन तुमने किया है। सिनान के साथ कैसे कर सकते हो? लैला, जाओ यहां से। जा रही हूं, लेकिन याद रखना ये बात, दूसरों को अलग करके तुम भी कभी सुकून से नहीं रह सकते। हाँ कहो। सिनान, क्या एक बैटरी बनाने वाले की वजह से तुमने यशम से ब्रेकअप कर लिया है? बताओ। तो इतनी रात को तुम मुझे ये पूछने के लिए फोन कर रही हो? हाँ बिल्कुल, मुझे बताओ मसला क्या है आखिर। देखो यशम से तुम अलग मत होना। बात सुनो, मैं ना पहले से ही गुस्से में हूँ, तो इसलिए डेफने और यशम का नाम मेरे सामने लेकर मुझे और मजीद गुस्सा मत दिलाओ, सुन लिया? उफ सिनान, तुम इतनी सी बात पर इतना गुस्सा हो गए हो, बिल्कुल अहमकाना हरकत है। हाँ मैं ऐसे ही हूँ, मैं बताता हूँ अहमकाना हरकत क्या होती है। मेरा ब्रेकअप हो गया, इतनी रात को फोन करके मुझसे ये पूछ रही हो तुम? और वहाँ वो तीनों लड़कियाँ आरास के कॉटेज में, वो जो कॉटेज जंगल में उसका, और रोड पर खड़े होकर म्यूजिशियंस को गले लगा रही हैं, और तुम कह रही हो कि मैं अहमकाना हरकत करता हूँ? अजीब पागल हो तुम। सिनान तुम ठीक तो हो ना? कौन सा जंगल, कौन सा कॉटेज, कौन सा म्यूजिशियन, तुमने कुछ पी रखा है क्या? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया हुआ है, सुन लिया तुमने? मगर जैसे ही मैं आरास के कॉटेज पर पहुंचूंगा ना, इनको अपने किए हुए पर जरूर पछतावा होगा, लिख के ले लो तुम। बंद कर दो फोन, अब बिल्कुल मत करना। बस करो, बस करो। मैं आता हूँ और तुम्हें आकर उसी कॉलेज में दफन करता हूँ। अरे ये जितनी मासूम दिख रही है ना, उतनी मासूम बिल्कुल भी नहीं है। इसके गम में तो दानिश पागल हो गया था, नशे में हमारे घर आ गया था, इसकी वजह से छुपी रुस्तम है ये। एसगी, मैं तुम्हें ना सलाम पेश करती हूँ। यार कहाँ से लाती हो इतने अच्छे अच्छे आइडियाज? यार अब तो मुझे भी सोचकर अजीब लगता है कि मैंने ऐसा क्यों किया उसके साथ। देनी चाहिए, अरे टेंशन देनी चाहिए। और कसम से तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगोगे यार। और दानिश तो ना बहुत ही जबरदस्त शहाना इंसान है। वो कितना शहाना इंसान है इस बारे में जानने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है यशम, उसे अच्छी तरह जानती हूँ। जो कुछ भी मैंने किया अब वो मैं नहीं दोहराना चाहती। ऐसी बातें नहीं करो, मैंने भी सोचा था कि उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन अब देखो हमारे बस में ही नहीं होता है। हाँ ये फैसले तो दिल के होते हैं कि हमें किससे कब कहाँ कैसे मोहब्बत हो जाए, हमारे बस में तो कुछ नहीं होता, सही ना? मोहब्बत तो किसी हैंडसम से भी हो सकती है और किसी गधे से भी, और एक केवमैन से। बस भी करो, कितनी बार कहा है कि तंग नहीं करो। यशम इतनी देर से तंग कर रही है, अब तुम भी शुरू हो गई हो। हाँ
हाय मेरी जान, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। मतलब मैं ये सब बातें बस इसलिए कर रही हूँ ताकि मेरे दिमाग से सिनान का ख्याल निकल जाए। और थक गई हूँ मैं इस आइसक्रीम से भी। ओ मैं भी याक। बारिश ने म्यूजिक स्टार्ट कर दिया है, चलो ना हम लोग चल के उनका म्यूजिक सुनते हैं। क्या ख्याल है तुम लोगों का? हाँ अच्छा ख्याल है। ठीक है चलते हैं और चल के उनकी लाइव परफॉर्मेंस देखते हैं। मजा आएगा यार, चलते हैं। इसी हाथ से तूने यशम का हाथ पकड़ा था ना? हाँ, और गले भी लगाया था ना तूने उसे? चल अब मेरे सामने लगा कर दिखा ना, प्यार करता हूँ मैं उससे। बोल यही हाथ था ना? क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ क्या मतलब है तुम्हारे इस बात से? तुम होते कौन हो मेरी बहन से मोहब्बत करने वाले? होते कौन हो तुम? भाई बस कर दे, छोड़ दो उसे, उसे और मत मारे। मैं भी सिनान से मोहब्बत करती हूँ। या अल्लाह हम पर रहम फरमाना, आमीन। Thank you.